अनिरुद्ध के हाथ क्यों कांप रहे हैं? ठीक से तलवार ही नहीं पकड़ पा रहा। गंधक अपना असर दिखाने लगेगा और आंखें जलने लगेंगी बैरिस्टर बाबू की। धुंधलेपन के कारण ठीक से वार भी नहीं कर पा रहा, हाथ से पकड़ भी ढीली होती जा रही है तलवार की, तो ऐसा लग रहा है जैसे इंसान से नहीं धुएं से लड़ रहा हूं। जरूरी नकाब पोश कृष्णा नगर से, इसका मतलब कि बिनोय ससुर जी खतरे में। मार देंगे मेरे दुश्मन, मुझे मार देंगे। मैं तुम्हें पहले बोला था नहीं, आपको आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपके साथ हूँ ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, मेरा मेरा भरोसा कीजिए। मेरी बम्बू भी आओ। ससुर जी को बचाना है तो इन्हें यहां से ले जाना होगा, पर कैसे? वैजयंती इन्हें कहाँ लेके जा रही? वैजयंती, वैजयंती! बहुत चालाक है बारिश्वर बाबू, पानी से गंधक के असर को खत्म कर दिया इसने। दुर्गा माता का हाथ तुलसी गुरु के साथ, दुर्गा माता का हाथ तुलसी गुरु के साथ। बैरिस्टर बाबू ने तो खेल ही पलट दिया, पानी से वो सब धुल गया जो हमने डाला था उसके तिलक और कलाई बंद में। अभी अनिरुद्ध ने खेल पलट दिया तो आगे जाके मैं भी तो बाजी पलट सकता हूँ। पहला मुकाबला अनिरुद्ध जीत गया तो क्या हुआ? अभी तो चंद्रचूर का तुरुप का इक्का बाकी है और जब वो खुलेगा अनिरुद्ध एक पल नहीं टिकेगा यहाँ इस प्रांगण में, फिर तलवार छोड़कर भागेगा। ऐसा कौन सा तुरुप का इक्का है आपके पास? अनिरुद्ध की इकलौती कमजोरी, जान बंद है उस तोते में इस बैरिस्टर बाबू की। मेरे को छोड़ दो, मैं सब दुश्मनों को मार दूंगा। नहीं,
नहीं, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा। मैं आपके साथ हूँ ना, आपको कुछ नहीं होगा। मेरे को छोड़ दो। कुछ नहीं होगा आपको, आराम से। भैया जल्दी चलाइए ना। और अब इस प्रतियोगिता का दूसरा हिस्सा आरंभ होगा। इस दूसरे हिस्से में भी कृष्णनगर की तरफ से 3 तलवार बजाएंगे और उनके साथ भी तुलसीपुर के बैरिस्टर बाबू अकेले मुकाबला करेंगे। बाजी तो तुलसीपुर वालों के हाथ लग रही है। आप तुरुप का इक्का कब खेलोगे? गड्डी का जोकर नहीं, तुरुप का इक्का है। सही समय आने पर ही निकाला जाएगा उसे। भैया आप ठीक तो हैं? बिना ससुर जी के जान को खतरा है, मुझे निकलना होगा उन्हें लेकर। जाइए दीदी। ए, रुक जा, नहीं तो उसके साथ हम तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। अरे तो शहर की ओर जा रही है और चंद्रचूर मालिक का आदेश था कि इसको तलवारबाजी वाले मुकाबले के प्रांगण में लेके जाना है विनय राय चौधरी के साथ। मगर इसके हाथों से रिक्शा को मुड़वा कर प्रांगण में ले जाना पड़ेगा। हाँ, एक काम करो, तुम इधर जाओ, मैं इधर जाता हूँ। ठीक है, ए, चलो। और इस तरह मुकाबले के दूसरे हिस्से में भी आप सभी लोगों के सामने वरिष्ठ बाबू ने कृष्णनगर के तलवारबाजों के दांत खट्टे कर दिए और अपने कौशल और अपनी वीरता सिद्ध कर दी। और अब मुकाबले के आखिरी हिस्से में कृष्णनगर के चंद्रचूर जी और तुलसीपुर के वरिष्ठ बाबू में आमने सामने अकेले अकेले जीत के लिए मुकाबला होगा। दुर्गा माँ का हाथ। मिष्ठी से नए रिश्ते की शुरुआत करते। काका काका होश। साजिश की गई है हमारे खिलाफ। बाबा! 8 साल पहले बोंदता ने मुझे तुम्हारी वजह से धोखा दिया। आज उसका ऐसा बदला लूंगा कि कहीं के नहीं बचोगे तुम। एक रास्ता मुकाबले के प्रांगण की ओर जा रहा है और दूसरा रास्ता दीनपुर हॉस्पिटल। और मुझे इस समय बिनॉय ससुर जी को प्रांगण में नहीं तीनपुर हॉस्पिटल ले जाना होगा। अरे चूर चूर कर दे इस चंद्रचूर को। ये कौन सा रास्ता? इतनी दूर आ गए पर शहर शुरू ही नहीं हुआ अब तक। कहीं मैं मुकाबले वाले प्रांगण की तरफ तो नहीं आ गई? नहीं नहीं, मुझे वापस मुड़ना होगा यहां से। अकेले इन सब से लड़ नहीं सकती, तो अब मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं बिनॉय ससुर जी को?
सोच बंदिता सोच। नहीं दादा रुक जाइए, अब अगर प्रांगण से बाहर गए तो ये मुकाबला हार जाएंगे और ये कायर और कपटी चंद्रचूड़ और कृष्णा नगर वाले ये मुकाबला जीत जाएंगे। आपकी जीती हुई बाजी आपके हाथ से निकल जाएगी दादा। हार या जीत मेरे लिए मायने नहीं रखती सोम, हार तो हार सही, मैं बाबा को ऐसी हालत में हरगिज नहीं देख सकता। रुकिए, आपको कुछ नहीं होगा, आपको कोई नहीं मारेंगे। ये बंदिता यहाँ क्या कर रही है, वो भी बिनॉय रॉय चौधरी के साथ? अगर किसी ने कुछ कहा तो इस मुकाबले की हार या जीत से बढ़कर है मेरे लिए मेरे बाबा। मारो इस पागल को, निकालो यहाँ से, मारो मारो इस पागल को, मारो। बाबा शांत हो जाइए, देखिए मैं आ गया हूँ, बाबा शांत हो जाइए। मारो मारो इस पागल को, निकालो यहाँ से, मारो मारो इस पागल को, मारो मारो इस पागल को, निकालो यहाँ से। खबरदार, जो किसी ने कुछ कहा कुछ किया, मुकाबला छोड़ा है मैंने, तलवार नहीं, एक एक का सर कलम कर दिया जाएगा। कृष्णा नगर जीत गया, चंद्रचूर जीत गया, हम जीत गए ठाकुर मां। और इस तरह बैरिस्टर बाबू का अपनी इच्छा से प्रतियोगिता प्रांगण छोड़ने के कारण इस साल की वार्षिक प्रतियोगिता में कृष्णानगर को विजयी घोषित किया जाता है। और अब इस साल दुर्गा माँ की पूजा का अधिकार कृष्णानगर वालों को दिया जाता है। बिनॉय के लिए तो हमने पहरेदार रख छोड़े थे, ये बाहर कैसे आ गया? वो लड़की लाई है उन्हें, मैंने देखा था।
जगन्नाथन जी, वैजयंती के अप्पा। आना ही पड़ा जी, मैं तो आपके घर पे गया था थिरुरंजन बाबू, अपनी बेटी वैजयंती की शादी का निमंत्रण पत्रिका देने। तब मैं वहां पे देखा कि ये लड़की विनोय बाबू को हाथ रिक्शा में बिठा के कहीं ले जा रही है। अरे आप इसे ये लड़की वो लड़की क्यों कह रहे हैं बार बार? तो आपकी बेटी वैजयंती है ना। ये बॉन्दिता इन सबके बीच क्या कर रही है, तुम लोगों को कुछ पता है? नहीं नहीं ठाकुर माँ, मुझे नहीं पता। और ये लोग इसे वैजयंती कहकर क्यों पुकार रहे हैं? अरे नहीं नहीं त्रिलोचन बाबू, मेरी लड़की ये वैजयंती नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हुआ है जी। अरे नहीं नहीं, वो आप ही की बेटी है, उसने खुद हमें बताया कि वो आपकी बेटी है, और इतने दिन से वो हमारे घर पे हमारी हवेली पे पढ़ने के लिए भी आ रही थी अनिरुद्ध से। नहीं जी, वैजयंती तो बीमार हो गया था जी, इसीलिए मैं उसको पढ़ने के लिए आपके घर पे नहीं भेजा। ये सब बात मैं एक चिट्ठी में लिख के आपको भेजा था, लगता है आपको चिट्ठी मिला नहीं जी। क्षमा चाहता हूँ अनिरुद्ध बाबा, मेरी बेटी वैजयंती बीमार पड़ गई है। पर अगर ये वैजयंती नहीं है तो कौन है ये लड़की? ये हमारे घर क्यों आई थी? बैरिस्टर बाबू बोंदता को वैजयंती कहकर इसीलिए पुकार रहा है क्योंकि वो हमसे झूठ बोलकर रोज वहां जाती है तुलसीपुर। वैजयंती बनकर अपने बैरिस्टर बाबू से मिलने रोज वहां जाती है। अपनी मंजिल पाने जा रही हूँ, कचहरी जा रही हूँ। बोंदता, कैसा रहा दिन तुम्हारा आज? जैसा मैंने सोचा था वैसा तो नहीं था, पर हाँ कम से कम शुरुआत तो अच्छे से हो गई। ठाकुर माँ, मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं अपनी पढ़ाई और बैरिस्टरी को अपना हथियार बनाऊंगी और सखा बाबू और तुलसीपुर के विरुद्ध लड़ूंगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए। ओ बूढ़ी बाबा, खोजोम खोजोम खोजोम, मान गए, सच में मान गए आपको बोंदिता दीदी। मेरी बोंदिता दीदी का दिमाग लोमड़ी से भी तेज। क्या तरकीब लगाई आपने वो बैरिस्टर बाबू को हराने की? वाह 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 बोंदिता दीदी, जबरदस्त, बिना तलवार चलाए हरा दिया वो बैरिस्टर बाबू को। बोंदिता दीदी, आप ये विनोय बाबू को प्रांगण में लेके आई और ये बैरिस्टर बाबू अपना जीता हुआ मुकाबला छोड़कर चले गए। वाह वाह बोंदिता दीदी, आपने बैरिस्टर बाबू को जीता हुआ मुकाबला हरा दिया, आप महान है। नहीं, बहुत महान है। हाँ ये कृष्णा नगर का जासूस तुम्हें को तुम्हें उस नाम से क्यों बुला रहा है वैजयंती, मैं जवाब चाहता हूं। वो क्या? वो क्या वैजयंती? क्योंकि ये लड़की वैजयंती नहीं है। अरे ये तो कोई बहरूपिया है। काका, मैं बोंदिता। ठाकुर माँ, अपने दुश्मनों को अपने घर की लकड़ी तक ना दें। और हमारे घर की लड़की तुम्हारे साथ खड़ी है। बोंदिता, क्यों खड़ी है दुश्मनों के साथ? बोंदिता मालकिन, इसका मतलब वैजयंती ही बोंदता है। इधर आ और अपने परिवार के साथ जीत का जश्न मना। रोने दे इन्हें अकेले में अपनी करारी हार पर।
इधर आ, दुर्गा माँ की पूजा की तैयारी करनी है, चल। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ये सब कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं सच कह रही हूँ। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब जान गए हैं हम, जान गए हैं कि तूने मुझे कमरे में इसीलिए बंद किया था ताकि मैं बाहर ना आ सकूं। कोई है? जान गए हैं कि तूने ही कृष्णनगर के गुंडों को हमारी हवेली का रास्ता दिखाया। जान बूझ कर तूने मेरे बीमार पति को यहाँ प्रांगण में लाई ना। बोल ना वैजयंती, जान बूझ कर किया ना तूने? वैजयंती बोल देता, दुश्मन बोल देता। नहीं संपूर्ण, मत लेना, मेरा नाम मत लेना अपनी जुबान से। साबित कर दिया कि तू बस इस घर की एक दुश्मन है, सबको अपना बनाकर धोखा दिया है तूने बंदिता। बता दिया है सबको कि रिश्तों से बढ़कर दुश्मनी है तेरे लिए। मेरी भी एक बात सुन ले, तूने जितनी अच्छे से दुश्मनी निभाई है ना, उससे कहीं ज्यादा मजबूती से हम भी निभाएंगे दुश्मनी का रिश्ता। और अब से रॉय चौधरी परिवार से तेरा सब रिश्ता खत्म, तू बस एक दुश्मन है, रॉय चौधरी परिवार की दुश्मन। बंदिता, रुकिए ठाकुर माँ, मैंने ये सब नहीं किया है। संपूर्ण दीदी, आप मुझे गलत समझ रही है, आपको कोई गलत फहमी है, मेरी बात तो सुनिए। ये सही कहा तूने बंदिता, हम तुझे गलत ही समझ रहे थे, हमारी ही गलती है कि हमने दुश्मन को अपना माना। कैसे भूल गई बंदिता, इस रॉय चौधरी घर से रिश्ता था तेरा, जिस घर ने तुझे इतना कुछ दिया, कैसे किया तूने? तू आज ये जो कुछ भी है ना, सिर्फ अनिरुद्ध की वजह से। और तूने तूने क्या किया? सिर्फ ये मुकाबला जीतने के लिए तू सब कुछ भुला दिया। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो संपूर्णा बहू, प्रेम दुश्मनों के घर से आई है ये, इसे और क्या उम्मीद की जा सकती है? 8 साल पहले इसके परिवार ने हमारी पीठ पे वार किया था और आज इसने वैजयंती के वेश में आके हमारे साथ विश्वासघात किया है। काका ससुर जी, ये सब गलत है। बस मर गए, मर गए हाथ से तुम्हारे काका ससुर और तुम्हारे सखा बाबू तुम्हारे लिए। तो सोच सकता है अनिरुद्ध कभी हमारे सिर ना झुक सकने देने वाली है ये बंदिता आज हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रही है? नहीं। आ बेटा, अरे खूब अच्छा बैरिस्टर बनाया तूने इसे, सबसे पहली चाल हमारे खिलाफ ही खेल दी। मुझे अपनी बात समझाने का मौका। बस और कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। तुमने क्या कर दिया बंदिता?